बात करेंगे कंदील बलोच कत्ल केस की, जिसमें गिरफ्तार मुलजमान के पॉलीग्राफिक टेस्ट रिपोर्ट जारी कर दी गई है। कत्ल के लिए उसके भाई आरिफ ने उकसाया था। पुलिस ने मुलजिम वसीम के भाई को सऊदी अरब से इंटरपोल के जरिए वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस में अहम पेशरफ, मकतूला के भाई वसीम और कजन हकनवाज के पॉलीग्राफिक टेस्ट के नतीजे सामने आ गए। पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान वसीम और हकनवाज का वीडियो और तहरीरी बयान भी रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कंदील बलोच का गला उसके कजन ने कपड़े से दबाया। मॉडल के भाई वसीम ने मकतूला के हाथ पाँव पकड़ रखे थे। पॉलीग्राफिक रिपोर्ट में इस बात की भी तस्दीक की गई है कि मॉडल को कत्ल करने से कबल नशावर दवा भी खिलाई गई थी, जबकि नशावर दवा वालिदैन को भी दी गई थी। कंदील बलोच को कत्ल करने के लिए वसीम को उसके बड़े भाई आरिफ ने उकसाया। आरिफ सऊदीया में मुकीम है। कंदील की मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ वीडियो के बाद उसने वसीम पर दबाव डाला। पुलिस के मुताबिक आरिफ ने वसीम को कंदील को कत्ल करने के लिए कहा। पुलिस का कहना है कि मॉडल के कत्ल में आरिफ भी बराबर का शरीक है, इसलिए इसे सऊदीया से